सरकार। जी हाँ, यूपी के अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार ने संग्रामपुर ब्लॉक का किया औचक निरीक्षण। ब्लॉक में फाइल न मिलने से हुए नाराज जिलाधिकारी ने बीडीओ संग्रामपुर को लगाई फटकार। अमेठी से विश्वनाथ भदौरिया की रिपोर्ट। सर, आपके द्वारा ब्लॉक में किस प्रकार का निरीक्षण किया गया और क्या कुछ मिला? आज प्रातः लगभग 10:30 बजे संग्रामपुर ब्लॉक का एक औचक निरीक्षण किया गया है। वहाँ पे कर्मचारी की उपस्थिति इत्यादि की जानकारी ली गई है। मनरेगा के जो APO है वो बिना सूचना के वहाँ पे अनुपस्थित थे, तो उनके कार्य भी असंतोषजनक BDO द्वारा बताया गया है और मनरेगा से संबंधित कई कार्यों की पत्रावली मंगाई गई, वो भी वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। तत्पश्चात मौके पे आकर निरीक्षण किया गया, यहाँ पे पत्रावली उपस्थित नहीं। इस प्रकार से कामों का भौतिक सत्यापन भी ग्राम सेक्रेटरी और APO द्वारा नहीं कराया गया है। APO की समस्या समाप्त करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है तथा सेक्रेटरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त जो TA है उनकी भी विभाग यहाँ पर जाँच करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए किया गया है। जो ऐसा कार्य इसका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया है, उसके लिए जिला स्तर से एक समिति गठित करके इसकी जाँच कराई जाएगी तथा इसमें जो पेमेंट इत्यादि हुआ है उसकी भी जाँच कराई जाएगी। जी सर, कुछ कर्मचारी अनुपस्थित मिले हैं कि? जो कर्मचारी अनुपस्थित हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। APO जो वहाँ पर है वो कई महीनों से वहाँ से काम ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा BDO द्वारा बताया गया है। इनके कामों की जांच कराकर इनकी समस्या समाप्त की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। एक सवाल सर, आवास संबंधी सर है, जो ग्राम सभाओं में किस प्रकार से आवास का आवंटन किया जा रहा है, क्योंकि किन किसी ग्राम सभाओं को 35 आवास दे दिया गया है, किस आधार पर किनको 4-5 पे संतोष करना पड़ा है या बड़े छोटे जैसे चाहिए? क्योंकि आवास के जो आवंटन है वो शासन के दिशा निर्देश के अनुसार किया जा रहा है। कोई अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, तो आगे आप शिकायत कर सकते हैं, इसकी हम जांच करा देंगे।